अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस मी सना मदील एंड माय चैनल नेम इज सना मदील व्लॉग्स। गाइस इस वीडियो में संभावना सेठी ने शोएब इब्राहिम की फैमिली के लिए कुछ मैसेज दिया है, आए देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच इब्राहिम फैमिली, थैंक यू सो मच सबा। अभी हम लोग इसको आराम से खोलेंगे और देखेंगे। बड़ा ही खूबसूरत है, इसलिए मेरी नजर पड़ी कि क्या अनोखी चीज घर में आके रखी है जो इतनी खूबसूरत हमारे घर की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। ये है सबा और खालिद का रिसेप्शन, 15th of November, ठीक है, ये आया है। और अरे यार दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर यार। और इसमें आया है ये क्या है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये भी ड्राई फ्रूट्स। अरे यार ये क्या है, खट्टा खट्टा, ये कुछ मजेदार चीज होगी बेबी। तवा कांग्रेचुलेशंस। मीठा है खट्टा है, चॉकलेट है। अच्छा मुंह मीठा कीजिए, आप भी कीजिए। नहीं हम डाइट में हैं, आप लोग भी कीजिए। ये लो, तो ये है सबा और खालिद की पिक्चर। This is very beautiful and thank you so much सबा हमें invite करने के लिए, and we'll definitely come। कब है, कितनी तारीख को बताया? So it's on 15th, 15 तारीख को है, और हम लोग बिल्कुल आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि हम लोग मुंबई में ही है। And many congratulations to सबा जिसकी शादी इतने अच्छे तरीके से पूरी फैमिली ने करी। मैंने वीडियोस भी देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे। सबा अपनी जिंदगी में बस बहुत खुश रहे। दे ऑल हैव वर्कड रियली हार्ड। मेरे को ना, मैं सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो अपनी जिंदगी में ना मेहनत करके आगे आए हूँ। किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए कुछ गलत नहीं, अपनी जिंदगी में मस्त, अपनी फैमिली में मस्त, और आप आगे निकल रहे हो। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और दिल से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। और दीपिका, शोहेब, सबा, खालिद, सब आंटी अंकल, सब लोगों को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन। आई लव इन सबके व्लॉग्स, इन सबके व्लॉग्स मुझे बहुत पसंद है। जितना भी मैं देख पाती हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हम लोगों की दीपिका से भी, सबा से भी, शोहेब से भी पहली मुलाकात होगी। सो मिलते हैं रिसेप्शन पे।